नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। अश्विन मास कब से शुरू हो रहा है, इसका समापन कब होगा, अमावस्या तिथि पे क्या कार्य करें जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। पर्व पितरी अमावस्या जो कि अश्विन महीने की अमावस्या होती है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह वह समय है जब पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और लोग अपने पूर्वजों के नाम पर इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वस्त्र अन्न का दान करते हैं, साथ ही साथ उनका पिंडदान भी करते हैं जिससे उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होने वाला सात पक्ष समापन सर्वपित्री अमावस्या के दिन ही हो जाता है। सर्वपित्री अमावस्या को महाल्य अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि को लेकर के बहुत सारे लोगों में बहुत सारा असमंजस है कि दान किस दिन दें, नहा स्नान किस दिन करें और पूजा किस दिन करें। पितरों के निमित्त जो लोग अमावस्या तिथि को व्रत रखते हैं तो वो किस दिन करना है, तो चलिए आपको सही सही जानकारी आज के वीडियो में हम देते हैं। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर 2024 को रात 9:34 पर होगा और 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पे इसका समापन हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के मान्यता के अनुसार आपको 2 अक्टूबर को ही सर्वपित्री अमावस्या का स्नान दान करना है और साथ ही साथ आपको जो भी अपने पितरों के निमित्त कार्य है वो भी आज ही के दिन कर देना है। 30 तारीख को शारदा नवरात्रि की शुरुआत हो जाए। आपको बता दें कि आपने अगर पूरे 16 दिनों तक किसी चीज़ का पालन नहीं किया है पर आप अपने पितरों के निमित्त कार्य करना चाहते हैं तो अमावस्या तिथि वाले दिन गंगा स्नान अवश्य ही करें, साथ ही साथ सुयोग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो अपने पितरों का नाम लेके खुद से ही तर्पण अवश्य ही करें। अपने पूर्वजों का नाम लें, जिसका जिसका भी नाम आपको पता हो अपने गोत्र के साथ उनका नाम लेके आज के दिन उनका दर्पण करने के बाद कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन देव धरती पे आखिरी दिन के लिए आते हैं तो भूले से भी आज के दिन आपको तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने घर में मांस मछली लहसुन प्याज से बने हुए खानों को किसी को भी नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो पितरों को आप जल समर्पित कर सकते हैं। आप पीपल के पेड़ में सुबह जल समर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों का ध्यान करते हुए एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। सर्वपित्री अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, इसलिए श्राद्ध के दिनों में यदि आपने कोई भी गलती की हो या कुछ भी कार्य नहीं किया हो तो पितरों से ये दीपक जला करके उन्हें जल समर्पित करके आप क्षमा प्रार्थना करें। इससे आपके घर में बड़ी बरकत होगी और पितर अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर ही करेंगे। आपके घर में पितर दोष है तो आपको ये कार्य करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन ज़रूर से पीपल के पेड़ में जल दीजिए। घर पे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक रखना है आपको। साथ ही साथ शाम के समय आप दीपक भी जला सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं तो शिव जी के मंदिर में जा करके गंगा जल मिश्रित जल समर्पित करिए और उसका पूरा पुण्य अपने पितरों को समर्पित करिए। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति कराएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए। आप सभी के ऊपर आपके पितृदेव की कृपा निरंतर ही बनी रहे। हर हर महादेव।